काम हो जाना चाहिए। और हाँ एक बात सुनो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो चलो जल्दी चलो। मेरी चाबियां यहां पर मैंने तो कल रात इनको ड्रॉअर में रखा था, तो फिर ये यहां। भाभी जी, आह, ओ, भाभी जी, दरअसल मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। अगर आपके हाथों की बनाई हुई एक कप कॉफी मिल जाती तो प्लीज। जब तक हम अनुपमा के कमरे से चाबियां लेकर वापस नहीं आ जाते तब तक आप उसे कमरे में आने मत देना, ठीक है? जो काम मैं अपनी बीवी से छुप छुप कर करता हूँ, आज उसी काम को करने के लिए मेरी बीवी ने खुद मुझे कहा है। क्या बात है, आई लव इट। भाभी जी, इतने प्यार से कॉफी बनाई है तो मेरे हाथों में भी दे जाइए। नहीं, खैर कोई बात नहीं, जब आप नहीं आ रही हैं तो मैं ही आपके पास आ जाता हूं।
चाबियां कहां रख दी उसने? चाबियां मिल क्यों नहीं रही है? कहां ढूंढू, कहां रख दी होंगी उसने? आपने आपने कॉफी में शक्कर डाली? हाँ, 2 चम्मच। देखिए, आपने 2 चम्मच शक्कर वेस्ट कर दी। कॉफी आपने बनाई है तो कॉफी तो ऐसे ही मीठी होगी, उस पर से 2 चम्मच शक्कर। अभी मुझे इतनी मीठी कॉफी पीनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आपके हाथ की बनी हुई पी लूंगा। अरे अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? इतनी जाने की आपको क्यों जल्दी है? मुझसे कुछ बातें तो कीजिए। अच्छी है, बहुत अच्छी है, थोड़ी मीठी है। पद्मिनी कमरे में होगी। पद्मिनी, पद्मिनी तुम यहां? वो भाभी साहब हम मैगजीन लेने आए थे, पूरे घर में हमें वो मिली नहीं, तो हमने सोचा वो मैगजीन यहाँ होगी, लेकिन वो मैगजीन तो यहाँ भी नहीं मिली। कोई और मैगजीन ढूंढ रही होगी। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि मैं अपनी चाबियां वहां भूल आई? आइंदा से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। आइंदा हमें भी बहुत ध्यान रखना होगा।
उम्र मेरी आराम करने की है कि काम करने की है? राम राम राम। सुनो तो सही। और क्या सुनूं मैं तेरी बात? इतना माया पुत्र, इतना देख तेरा मुंडा फिर से लेके आ गया इस चमक छल्लो को। राम राम राम। दी, हम दो दिन से तेरे लिए इतने परेशान हुए जा रहे और तू ये सब क्या है? ये शादी का जोड़ा, ये सब क्या है वीर? वीर आ गए तुम? तुम इसे फिर से घर पर क्यों लायो? बस वीर, बहुत हो गया। हम इसको एक बार घर में रख चुके हैं। ये घर है, धर्मशाला नहीं है। और तू निकल यहां से, चल यहां से। बस मां, बस। नम्रता यहां से कहीं नहीं जाएगी। नम्रता अब इसी घर में रहेगी। उसका भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या मतलब भाई? ये कार्य इसका कैसे हो गया है? क्योंकि ये मेरी पत्नी। शादी की है मैंने इसके साथ। और इस घर में अपनी पत्नी का अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, अगर नम्रता को किसी ने इस घर से निकालने की कोशिश की तो अपने ही इकलौते बेटे को खो देंगे आप। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? तुझे लगता है शादी को मान लेंगे तो तेरी भूल है, भूल है, भूल है। तो फैसला आप लोग कर लीजिए कि आप अपने इकलौते बेटे को खोना चाहते हैं। नम्रता आओ, आगे बड़ों का आशीर्वाद ले लो। मैं तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानता। मुझे यह शादी मंजूर नहीं। ओ, नम्रता, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें उन लोगों के पांव छूने को कह रहा हूं जो आशीर्वाद देना नहीं जानते, जो सिर्फ बददुआएं देना जानते। अरे जो इंसान अपनी सगी बेटी को आशीर्वाद नहीं दे पाया तो पराई बेटी को क्या आशीर्वाद देगा? हेलो दीदी। वीर कैसे हो? मैंने शादी कर ली है। क्या? बोलते बोलते माना उसको, अनु मैं माँ को। अनु क्या बात है बेटी? माँ वो अभी अभी फोन आया था। वीर
वीर ने शादी कर ली। क्या ऐसे अचानक? हाँ माँ, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। I'm sure कि अगर वीर ने अचानक यह फैसला लिया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। वीर बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार लड़का है। अब जब शादी हो ही चुकी है तो क्यों ना उसे दिल से और खुशी से स्वीकार करें। हाँ, पर इस बात को लेकर कोई हंगामा ना खड़ा हो गया हो। मेरे ख्याल से माँ इसे और रिधिमा को जाने की तैयारी करनी चाहिए। अनु अनु मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, मैं खत्म करके बाद में आ जाऊंगा। क्या? हाँ पत्नी, जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा मुझे। अब अच्छा भी तो नहीं लगता कि अनुपमा चली जाए और मैं यहीं बैठी रह जाऊं। नहीं रिधिमा, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अगर एक बार मैंने ये घर छोड़ दिया ना तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वापस किस बहाने से आऊंगी। पता नहीं अब मैं यहाँ रुकूं कैसे। सोचने दो रिधिमा, सोचने दो। अच्छा ये तोहफा ले जा और हमारी तरफ से नई बहू को दे देना हमारे आशीर्वाद के साथ। जी बेटे, वो कल मैं तुमसे जरा नाराज हो गई थी। एक्चुअली इतना बड़ा नुकसान हो गया ना फैक्ट्री में, मैं थोड़ी बौखला गई थी। मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? मैं जानती हूँ माँ, जो प्यार करता है उसको नाराज होने का भी हक है। बेटे अचानक क्या हो गया तुम्हें? बस रिधिमा, अब हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं पद्मिनी प्लीज। माँ सा, एक्चुअली मैं रिधिमा की 4-5 दिन से तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन रिधिमा ने हमें कसम दी थी कि हम ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि घर में ऑलरेडी सब लोग बहुत परेशान हैं और ये नहीं चाहती थी कि लोग और परेशान हों। ऐसा थोड़ी होता है बेटे, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। अनुपमा, मुझे नहीं लगता कि रिधिमा को इस हालत में सफर करना चाहिए। माँ आप ठीक कह रही हैं। रिधिमा तुम यहीं पर रुको। नहीं दीदी, मैं आपके साथ ही चलूंगी, वैसे भी बहुत दिन हो गए यहाँ आए। तो क्या हुआ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अनुपमा, अब तो तुम गई काम से, तुम्हारे पीछे से हम लोग तुम्हारी अच्छाई का रंग मासा के दिलो दिमाग से उतार कर उन्हीं की जुबान पे तुम्हारे मनहूस होने का सच ला देंगे। अपशगुन, अपशगुन, और अपशगुन, बहुत अपशगुनी बहु है तेरी। सुन मेरी बात, सुन। आपने मुझसे कुछ कहा बाबा? हाँ, मैंने तुझसे कहा तूने गलती से अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जो जन्म से ही अशुभ है। जब से वो ब्याह कर तेरे घर में आई है, उसकी मनुष्यत का साया तेरे बेटे पर ही नहीं बल्कि तेरे पूरे खानदान पर पड़ने वाला। बचा ले, बचा ले अपने पूरे परिवार को। मुझे तेरे और तेरे पूरे खानदान की बर्बादी स्पष्ट दिखाई दे रही है। Thank you.
अनुपमा, पैदा होते ही कहलाई मनहूस, अशुभ, अपशगुन, बेटी बनकर भी यही कहलाई और बहू बनकर भी यही कहलाई। अनुपमा, तुम्हारे माथे पर जो अपशगुनी का ये कलंक है, हम इसे कभी मिटने नहीं देंगे, कभी नहीं। मैं इन बातों को नहीं मानती, पर हर कोई बार बार अनुपमा के बारे में एक ही बात कहता है। नहीं नहीं शारदा, अपनी सोच को इन वहमों का शिकार मत होने दो। मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर तू इस घर में किसी खुशी या सुख की उम्मीद लेकर आई है तो भूल जा, क्योंकि यहाँ तुझे सिर्फ दुख और सिर्फ आंसू मिलेंगे। Oh.